हाय एवरीवन, आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक सिंपल ट्रिक बताएंगे जिसको करने से आपका चैनल सर्च में आने लगेगा। दोस्तों, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इसके माध्यम से आपका चाहे जितना पुराना, चाहे जितना नया चैनल हो, चाहे आपने एक दो वीडियो अपलोड किए हों, चाहे आपने 10-5 वीडियो अपलोड किए हैं, आपके चाहे सब्सक्राइबर हों या ना हों, आपका वीडियो अच्छा हो या ना हो, आपके वीडियो में व्यूज आए हों या ना आए हों, लेकिन आपका चैनल सर्च में आएगा। चैनल सर्च में आने से आपका एक फ़ायदा होता है कि अगर आपने अपने दोस्त, फैमिली, अपने रिलेशन में किसी से कहा भाई मेरा ये चैनल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो देख लेना, तो आपको जो है अपना चैनल सर्च में लाने से यही फ़ायदा होता है कि आपका चैनल सर्च में आने से आपके सब्सक्राइबर व्यूज बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सर्च में लाने के लिए आपको यूट्यूब चैनल को सर्च में लाने के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे दोस्तों तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको सर्च करना है सर्च बार में youtube.com। तो दोस्तों youtube.com सर्च करेंगे और आपके सामने कुछ इस तरीके से धीरे धीरे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले हम आपको एक बात बता दें कि आपको अपने चैनल का नाम एक यूनिक रखना है जो किसी और बड़े यूट्यूबर का ना हो, क्योंकि अगर बड़े यूट्यूबर का नाम आपके चैनल के जैसा नाम रखेंगे आप उसके चैनल के जैसा नाम रखेंगे तो आपका चैनल सर्च में इतनी जल्दी नहीं आएगा। लेकिन ये ट्रिक अगर आप आजमाएंगे तो आपने किसी बड़े यूट्यूबर का भी नाम रख लिया है तब भी आपका चैनल सर्च में आने लगेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको एरो वाले निशान पे क्लिक कर देना है और आपको अपना डेस्कटॉप साइट देख लेना है क्लियर है कि नहीं। तो मेरा डेस्कटॉप साइट ऑन है, यहाँ पे मैंने टिक कर दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे टिक किया डेस्कटॉप साइट पे, ये मेरा डेस्कटॉप साइट ऑफ हो गया, मैंने ऑन कर दिया। तो इस तरीके से आपको इसे ऑन कर लेना है। अगर आपका ऑन है तब तो ठीक है, वरना इसे ऑन कर लें। फिर आपको क्या करना है, आपका ये फिर से ओपन हो जाएगा धीरे धीरे। फिर आपको अपने लोगो वाले आइकन पर क्लिक करना है, जैसे थोड़ा इसे जूम कर लेना है। जूम करने के बाद दोस्तों आपका ये लोगो यहाँ पर दिखेगा, जो भी लोगों आपने लगा रखा होगा उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे अपने चैनल पे क्लिक कर देना है, योर चैनल यहाँ पे लिखा है। फिर आपको क्या करना है, आपका जो है ये चैनल खुल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, चैनल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, youtube.com स्टूडियो पर खुल के आ जाएगा। फिर दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, अपने जो है youtube.com स्टूडियो जो जब ओपन हो जाएगा धीरे धीरे, जैसा आपका नेटवर्क प्रॉब्लम अगर नहीं है तो जल्दी ओपन हो जाएगा, वैसे हमारे यहाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है तो ये थोड़ा धीरे धीरे ओपन होता है। जब दोस्तों ये ओपन हो जाएगा फिर आपको एक सेटिंग का आइकन मिलेगा। तो सेटिंग वाले आइकन में आपको दोस्तों यहाँ पे जैसे ये मेरा ओपन हो गया है तो मुझे यहाँ पे एक सेटिंग का आइकन थोड़ा से मैं जूम कर देता हूँ, इससे आपको दिखने लगे साफ साफ। एक सेटिंग का आइकन यहाँ पर मिल गया, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब इसे थोड़ा स्मॉल कर देते हैं। दोस्तों, जब आपका पैसा आपका आने लगेगा YouTube से तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपके डॉलर दिखाई देंगे। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जर्नल पे, आपको चैनल पे क्लिक कर देना है, सेकेंड वाले पे। चैनल पे क्लिक करेंगे दोस्तों, चैनल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मेरा चैनल सर्च में आता है क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने वीडियो में कीवर्ड लगा रखे हैं। कीवर्ड मतलब जानते हैं आप दोस्तों, आपको अपने चैनल से रिलेटेड यहाँ पर 8-10-12 जो भी आपको लिखना है, जैसे मेरा चैनल है कपिल विश जी के, तो कपिल विश जी के, कपिल देव शर्मा, कपिल विश जी के, 4-5 तरीके से हिंदी, इंग्लिश में और दो एक भाषा में आपको लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पे क्लोज और एक सेव का आइकन है, आपको सेव वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, ये आपके कीवर्ड सेव हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब ओपन करना है। ओपन करेंगे फिर आपको यहाँ पर लिखना है जो भी आपने अपने चैनल का नाम रखा है, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है कपिल विश जी के, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। सर्च बार में गया दोस्तों, यूट्यूब के सर्च बार में गया और मैंने यहाँ पे सर्च किया KAPIL कपिल विश जी के, सर्च किया दोस्तों। फिर मैं यहाँ पे सर्च कर दिया मैंने यहाँ पे, तो मेरा चैनल सबसे ऊपर आ गया कपिल विश जी के। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मेरा चैनल सबसे ऊपर आ गया, किसी और बंदे का यहाँ पर चैनल नहीं आया है। तो यही ट्रिक आप आजमाएंगे तो आपका भी चैनल सर्च में आने लगेगा। आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि YouTube से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी हम देते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।